हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णवी ब्लिसफुल में। और आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने पास्ते को बॉईल करने के लिए पहले पानी रख दिया है। पानी अच्छे से खौलने लगा है, इसमें डाल रही हूँ पास्ता। साथ में ही इसमें नमक डाल देंगे। नमक को पास्ता को इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे और एक दो उबाल आने तक पकाएंगे। तो पास्ता हम बीच में चलाते रहेंगे। अभी एक उबाल आया है, अभी इसे हम 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। अभी पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। पास्ते का हमने सारा पानी निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है फ्राई के लिए, जीरा, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, हरा प्याज। तो कढ़ाई तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम जीरा। डालेंगे प्याज, इसको मिलाएंगे 2-3 मिनट तक। तो पकने देंगे हाई फ्लेम पे, प्याज का थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। तब वो भी 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पक चुका है। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, इसको मिलाएंगे। टमाटर को हमने अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। नमक हमने पहले पास्ता में भी बॉईल करते टाइम डाला था, तो नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और नमक को वो हम मिला देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। नमक को मिला दिया है, अब हमें 2-3 मिनट तक पकाएंगे मध्यम फ्लेम पे। तो टमाटर देखिए पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इन सबको, धनिया को, मिर्ची को, हल्दी को हम अच्छे से, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब डाल देंगे हम पास्ता। पास्ता को भी मिला देंगे। पास्ते को मैंने मसाले में अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला आधी चम्मच के करीब, और साथ में ही डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच के करीब। और इन दोनों मसालों को भी मिला देंगे इसमें। और अब लास्ट में बारी आती है इसको हरा प्याज डालने की। तो हरा प्याज डाल लेंगे और बस 2 मिनट तक पकाएंगे इसको मध्यम फ्लेम पे। बस इसको 2 मिनट तक पकाने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद। गैस को कर देंगे बंद करते हैं हम इन्हें सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम 1 प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आप टमेटो केचप खाना चाहते हैं तो ऊपर से सर्व कर सकते हैं, तो ऐसे ही भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें।